आज जो हमारी हाउस हेल्प दीदी है ना, उनकी बेटी का योगा कंपटीशन है, तो मैं उसका फोटो लेने में हेल्प कर रही हूँ। एंड वो ऑलरेडी पोज करना स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। गाइस शी इज सो गुड एट इट। वैसे तो खाना बना हुआ है थोड़ा, लाइक वी हैव करेला एंड राइस बन रहा है एंड वी हैव फिश करी, बट अभी हम बनाएंगे पालक पनीर। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पालक पनीर है, वो ग्रेवी जो एकदम पेस्ट टाइप पालक पनीर होता है ये वो नहीं है, ये थोड़ा यू विल गेट भाजी भाजी थोड़ा अलग से। दिस इज माई मॉम्स रेसिपी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दैट। वी आर टेकिंग अमूल पनीर फॉर दिस, यू कैन डेफिनेटली टेक कोई भी पनीर। क्रश्ड गार्लिक एंड द चिली फ्लेक्स, अच्छा टमाटर का वो भी हम साथ में डाल देंगे। थोड़ा सा चीनी, अगर आप घर पे ट्राई करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल येट डिलीशियस। कम बेबी, इट्स जस्ट समटाइम्स आई वांट टू कीप क्वाइट एंड डू नथिंग। सो डिफिकल्ट टू कम बैक, सो डिफिकल्ट टू बी डिसिप्लिन्ड and keep working towards your goal. You're not alone. Everybody is going through the same. Everybody is struggling, trying hard to achieve something. Come baby. I just keep pair me belt first. Wait. Without falling down, you'll not realize how beautiful it is to stand up on your legs and that's the importance of falling down. Hi guys, so I'm back with another soup recipe. कल जो सूप हमने पिया था वो बहुत ही अच्छा था, delicious था, fulfilling था, मज़ा आया खा के, बिल्कुल भूख नहीं लगा। तो आज हम एक different soup recipe try करने वाले हैं and this is a spinach soup. दिस इज़ अ स्पिनच सूप। तो इसके लिए पहले हम वेजिटेबल ब्रॉथ बनाएंगे जो कि हम एज अ बेस यूज़ करेंगे फॉर ऑल द अपकमिंग सूप्स। इसको आप चिकन ब्रॉथ भी बना सकते हो, यू कैन टेक इट एज एन ऑप्शन। सो फॉर दैट मैंने चॉप कर लिया है अपना वेजिटेबल्स। आई हैव टेकन वन टोमेटो, वन कैरेट, वन कैप्सिकम, थोड़े चार पाँच लॉन्ग बीन्स, नॉट लॉन्ग ये शॉर्ट बीन्स है, थोड़े चार पाँच बीन्स, एक ऑनियन और थोड़ा धनिया पत्ती, और मैंने धो के अच्छे से फिर इसको काट लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ब्रॉथ, तो चलो लेट्स स्टार्ट। लुक्स डिलीशियस। सो आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें चिकन भी ऐड कर दूँ, तो आई विल मेक वेजिटेबल चिकन ब्रॉथ, आई विल मिक्स इट। I'm putting a cube of chicken, boneless chicken. Guys, what should I even tell you? हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा, क्योंकि जो स्पिनच सूप बनाना था उसके लिए हमें ब्रॉथ चाहिए ही नहीं, इट कैन बी डायरेक्टली मेड। तो मैं अभी रेसिपी दोबारा देखी, ये उनका ही रेसिपी है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना कीप द ब्रॉथ फॉर लेटर रेसिपीज़, ये यूज़ तो पक्का हो जाएंगे। अभी हम बनाएंगे अपना स्पिनच सूप, उसके लिए मैंने अपना सामान जुगाड़ लिया है। सो वी हैव स्पिनच, ऑनियन एंड गार्लिक, और हमें चाहिए बे लीव्स और बेसन, दैट इज़ इट। ये पाँच इंग्रीडियंट से बन जाएगा हमारा स्पिनच सूप। तो ये गया मेरा बटर, इट्स टाइम फॉर सम बेसन, एक स्पून डालना है। आई हैव डन अ मेस हियर,
यू कैन सी पूरा फैल चुका है हर जगह और मैं अच्छे से पीस भी नहीं पाई और आधा से ज़्यादा स्पिनच सूप मेरा गिर गया है. इतने ही पीस पाई हूँ मैं, सो आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस ओनली. गाइस आई हैव मेस्ड अप द किचन, बहुत खराब हो चुका है किचन का हालत. थैंक गॉड मम्मी लंदन में है वरना बहुत डांट पड़ता मेरे को. लुक एट मी, मतलब मेरे मुँह पे और यहाँ पूरे बॉडी में भी आ चुका था. पर एनीवेज मैं अभी करने वाली हूँ सूप टेस्टिंग. ये बहुत कम हो चुका है क्वांटिटी, मैंने इतना लिया था बट कोई बात नहीं. और अच्छे से मिक्स भी नहीं हुआ है क्योंकि ये आधा तो गिरी गया है हर जगह. बट लेट्स टेस्ट इट, ये पूरा फाइन मिक्स हो जाएगा. आई थिंक मैंने गलती ये की थी ना, मैंने पानी के साथ डाल दिया था. पानी को अगर अलग से मैं कल के तरह अलग कर देती और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करती थी वो ज़्यादा बेटर होता. बट कोई बात नहीं, हम इसे टेस्ट करते अभी. इट्स सो गुड, यू हैव टू ट्राई दिस. बट मेरे तरह मेसअप मत करना. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई डिनर. और मैंने एक अंडा भी बॉयल कर लिया. अगर मुझे भूख लगेगा तो आई एम गोना हैव वन एप्पल ऑल्सो. बट दैट्स इट फॉर टूडे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो. एंड आई एम गोना सी यू गाइस टुमारो. बाय. सो माई वेजिटेबल ब्रॉथ इज रेडी, जो मैं अलग से बना रही थी. आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर द थिकनिंग ऑफ माई सूप. एंड इसको अभी तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो आई एम कीपिंग दिस असाइड.